मैच कौन जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो खेल ही नहीं रहा है। अरे खेल रहा है, मैंने आंखों से देखा है। अरे तो आंखें खोल कर देखो ना एमएस। मैं आंखें खोल कर देखा है। सफाई की है? ग्राउंड तो साफ है। अरे मैं इस कमरे की बात कर रहा हूँ एमएस। क्यों मैं ग्राउंड का कमरा भी रह रहा है? अरे भाई मैं इस कमरे की बात कर रहा हूँ एमएस, जहाँ कचरा पड़ा हुआ है। शर्ट लगाओगे? अरे भाई जब कचरा नजर आ रहा है तो शर्ट क्यों लगा रहे हो एमएस? अरे मैं मैच की बात कर रहा हूँ यार। अगर मिसेज जलाल को मालूम हो गया ना तो फौरन नौकरी से निकाल देंगे एमएस। मैच देखने पर नौकरी से निकाल देंगे? अरे नहीं भाई, अगर ये कचरा पड़ा हुआ नजर आ गया तो नौकरी से निकाल देंगे। तो सफाई करो। तो भाई आप सफाई करें ना। अगर तुम तो साफ सुथरे हो। यह आपने ठीक नहीं किया डॉक्टर सारा। क्यों, बहुत ज्यादा हो गया क्या? बहुत ज्यादा हो गया है। पर अभी तो मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगाई। हा? जी आप ही ने तो कहा कि मेकअप बहुत ज्यादा हो गया है। डॉक्टर सारा मैं मेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तो आपने कहा कि बहुत ज्यादा हो गया है। डॉक्टर सारा आपकी ड्यूटी शुरू हुए 1 घंटा हो गया है और आपने अभी तक राउंड नहीं लगाया है। लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ डॉक्टर बल्कर। देखिए डॉक्टर सारा, आप यहाँ मरीज को देखने के लिए आती हैं, किसी लड़के को नहीं जो इतना बन सवर रही हैं आप। डॉक्टर बल्कर आपको नहीं पता इससे मरीजों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। देर से जाने से? नहीं, तैयार होकर जाने से मरीज खुश होता है। देखिए डॉक्टर सारा, हम यहाँ मरीजों को खुश करने नहीं आते, हम यहाँ उनका इलाज करने के लिए आते हैं। मैं इसी तरह इलाज करती हूँ डॉक्टर बल्कर। बाल तो ठीक लग रहे ना? बाल? हाँ, सोच रहा हूँ कि कटवा दूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है, मैं हरगिज नहीं कटवाऊंगा। अरे डॉक्टर सारा, मैं अपने बाल कटवाने की बात कर रहा हूँ यार। आप जाएं प्लीज, बेड नंबर 16 को देखें यार। और हाँ, उसके वो लिप, अरे भाई इंजेक्शन हाँ वही लगा दिएगा याद से। मैं मुसव्विर हूँ। मगर हमको कोई पेंटिंग नहीं बनवानी? नहीं सर, मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। अच्छा, लेकिन अभी तो आपने कहा आप मुसव्विर हैं। सर मेरा नाम मुसव्विर है लेकिन मैं फिल्में बनाता हूँ। अच्छा, आप फिल्में बनाते हैं? बीमारी क्या है? एक फिल्म बनानी है। ये तो कोई बीमारी ना हुई? तो मैंने कब कहा कि मैं बीमार हूँ? तो फिर आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? भाई मैं यहाँ फिल्म बनाने आया हूँ। अरे वो तो स्टूडियो में बनती है। देखिए आप समझ नहीं रहे, मैं हॉस्पिटल पे फिल्म लिखना चाहता हूँ। सॉरी, वेरी सॉरी, हॉस्पिटल की दीवारों पे लिखना सख्त मना। ओहो, मेरी फिल्म की कहानी हॉस्पिटल पे होगी? ओहो, अच्छा ये बताएं कहानी क्या है? अभी सोची नहीं है। ओके ओके, लेकिन हीरोइन आप वीना मलिक को देंगे? मुझे उससे नफरत है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओहो, डायरेक्टर मैं हूँ या आप? हॉस्पिटल का डायरेक्टर मैं हूँ। मेरा मतलब है, देखिए वैसे भी मैं नए टैलेंट को मौका देता हूँ। मैंने अपनी फिल्मों में हमेशा नए टैलेंट को रूशनास कराया है और मेरी हर फिल्म हिट हुई है। ओके, आपको अस्पताल से जो कैरेक्टर चाहिए वो आपको मिलेगा। आप हॉस्पिटल को अपना घर ही समझें। लेकिन मुसव्विर साहब, मेरा करैक्टर अच्छा होना चाहिए। हाँ, मैं आपको हीरो, जरा ऊपर देखिए, नीचे देखिए, हाँ साइड में देखिए, हाँ मैं आपको हीरो के बाप का रोल दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मेरे डायलॉग ज्यादा होने चाहिए। हाँ, आप उसकी फिक्र ना करें। अब आपको ये बात जहन में रखनी है कि ये बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान है। नो प्रॉब्लम, मैं आपको अभी एडमिट कर देता हूँ। जरा दिल पे हाथ रखें आप। ओहो भाई, अपने रखें। अच्छा, आप फील कराएं कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा, यानी मैं एक्टिंग करूं कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है? यस। ताकि आप मुझे वार्ड में डलवा दें? यस। अरे क्या बात है सर आपकी। ओके, अभी हार्ट अटैक। डॉक्टर फैला, डॉक्टर बरकत।
सर इसे बहुत दर्द हो रहा है। सर इसे हार्ट अटैक हो गया तो? अरे भाई जब दर्द इसे हो रहा है तो मुझे हार्ट अटैक क्यों होगा? मैं आपकी नहीं इनकी बात कर रही हूँ। ओहो जब मैं कह रहा हूँ इसे कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा, तुम लोग जाओ यहाँ से। चलो चलो। अरे चलो देख ले सर अगर मर गया तो। ओहो नहीं मरता, मैं हूं ना यहाँ पे। चलो मुसव्विर साहब खतरा कोई नहीं है, अब आप इत्मीनान से अपनी फिल्म की कहानी लिखें और यहाँ पे मजे से आराम करें, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जरा अस्पताल वाले कपड़े भिजवा दीजिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।